हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं कि पैरामेडिकल एएनएम जीएनएम का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है उसके बाद आपको क्या करना होगा और एडमिशन कब होगा और एएनएम जीएनएम का जो काउंसलिंग होगा उसके बाद हम कैसे एडमिशन करा सकते हैं अपने जो अलॉट कॉलेज है वहाँ पर जाके। तो सबसे पहले जब आपका रिपोर्टिंग सेंटर पर आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा तो वेरिफिकेशन करने के बाद आपको एक प्रूफ दिया जाएगा कि आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लिए हैं। वो प्रूफ आपका इस तरह का होगा। यहाँ देखिए, ये बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कंपटेटिव एग्जामिनेशन बोर्ड बीसीईसी बोर्ड प्रोविजनल एडमिशन स्लिप फॉर पैरामेडिकल काउंसलिंग, यानी आपको एक एडमिशन स्लिप दिया जाएगा जो कि इस तरह का होगा। इसके थ्रू आप जब आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है आप वहां जाकर एडमिशन करा सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या होगा। रोल नंबर होगा आपका लिखा हुआ, वो सब मैंने इरेज कर दिया है, ये मेरा है। उसके बाद आपके नाम, कैटेगरी, फिर आपको किस आपका रैंक क्या क्या था। तो मैं जनरल से हूँ तो मुझे EWS के थ्रू मेरा कॉलेज अलॉट हुआ था EWS रैंक के थ्रू। उसके बाद अलॉटमेंट डिटेल, इसमें आपका रिपोर्टिंग सेंटर GNM स्कूल जहानाबाद, अलॉटेड इंस्टीट्यूट GNM स्कूल जहानाबाद, बैच GNM, कैटेगरी अलॉटेड कैटेगरी EWS, रिपोर्टिंग डेट रहेगा जिस दिन आप जाके वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाओगे, एडमिशन फ़ी डिटेल है जिसमें कि एडमिशन फ़ीस 00 है क्योंकि ये बिहार के थ्रू है, यहाँ कोई भी एडमिशन फ़ीस नहीं लगते हैं, फीस वगैरह का कोई बात नहीं है। विलिंगनेस स्टेटस नो, अगर आपने सेकेंड राउंड के काउंसलिंग के लिए अप्लाई नहीं किया है तो ये स्टेटस आपका नो होगा, अगर आपने किया है तो ये एस होगा। फिर नीचे आपका लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरीफाइड, यानी कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपने अभी रिपोर्टिंग सेंटर पर वेरीफाई करवाया है डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन में। तो ये देखिए, मैंने ये सब जो डॉक्यूमेंट मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है वो सारे डॉक्यूमेंट में इसमें दिया गया है और सारे में इसके वेरीफाइड स्टेटस में वेरीफाइड लिखा हुआ है। अगर आप इसमें से आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो आपका वेरीफाइड नहीं होगा, आपका पेंडिंग में चला जाएगा। इसमें पार्ट ए एंड पार्ट बी ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म DCECS, वो जो हम मैंने अपने पिछले वीडियो में जिस फॉर्म के बारे में बताया है वो फॉर्म, फिर मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, फिर 10, 12 जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है, फिर DCEC का एडमिट कार्ड, ये मैंने 2020 में दिया था इसलिए मेरे पास 2020 का है। आपका जो ईयर होगा, आपका अगर 22 है तो 22, 23 है तो 23, जो भी आपका ईयर होगा वो यहाँ पे रहेगा। फिर जेंडर, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, ये सिर्फ जनरल वालों के लिए है। फिर CLC, फिर अलॉटमेंट लेटर जो आपको मिला है अलॉटमेंट लेटर, फिर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, फिर आपकी एज, ये सारे क्राइटेरिया उसमें वेरीफाई किया जाता है। फिर आपको ये पेज मिलेगा और आपको सारे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या तो वहाँ पर दे दिए जाएंगे रिपोर्टिंग सेंटर पर, अगर दे दिए जाएंगे तो आपसे नीचे पर वो लिखवाया जाएगा और साइन करवाया जाएगा। बट बहुत सारे सेंटर पर वो सारे डॉक्यूमेंट खुद वो कलेक्ट कर लेते हैं फिर आपके कॉलेज को वो खुद सेंड करते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपका रिपोर्टिंग सेंटर किस तरह का मैनेजमेंट कर रहा है। तो मुझे मेरे सारे डॉक्यूमेंट वापस कर दिए गए थे और मैं फिर खुद अपने साथ एडमिशन के टाइम कॉलेज ले गई थी उन्हें जमा करने के लिए। उसके बाद आपको ये पेज मिलेगा, यहाँ पे आपको साइड में सिग्नेचर करवाना है, ये बिना सिग्नेचर का ये आपका वैलिड नहीं होगा। साइड में ये जो जहाँ भी रिपोर्टिंग सेंटर गया है वहाँ का जो भी हेड होगा उसके थ्रू आपको एक सिग्नेचर करवाना है इस तरह का, जैसे कि मेरा ये गया था तो मेरा ये गया का है, प्रोफेसर स्टूडेंट सेक्शन AM मगध मेडिकल कॉलेज गया बिहार। तो मेरा रिपोर्टिंग सेंटर गया था तो गया के जो वहाँ पे मेडिकल कॉलेज के जो वो प्रोफेसर थे उन्होंने हम लोग को वेरीफाई किया था। तो इस तरह का आपको एक स्लिप मिलेगा, इस स्लिप को आपको लेकर जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में जाकर इस स्लिप को जमा कराना है, इसके फोटो कॉपीज़ को जमा कराना है अपने फ़ोन नंबर के साथ। फिर वहाँ पे जब एडमिशन स्टार्ट होगा तो आपको उसके लिए कॉल आएगा, तो आपको इस तरह का पेज मिलेगा और उसके बाद आपको एडमिशन की सारी प्रोसेस होगी। तो डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के बाद आपको क्या होगा आपको समझ में आ गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।